नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट नीतीश सिंह एक बार फिर से अपने चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। यूपी पुलिस की नाकामी एक बार फिर सामने आई है। हमारी एक बेटी एक बार फिर से दरिंदगी और हैवानियत का शिकार हुई है। एक 19 साल की लड़की के साथ गैंग रेप किया गया। वो लड़की अपने साथ हुई घटना की जानकारी किसी को न दे सके, इसलिए उसकी जुबान काट ली गई। वो लड़की खुद अपने घर चल के न जा सके, इसलिए उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाथरस हत्याकांड की। तो आज इस वीडियो में हम इसी कांड के बारे में शुरू से लेकर अंत तक जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बात करने वाले हैं। बने रहिए वीडियो में अंत तक। ये घटना है यूपी के हाथरस गांव की, जो कि आगरा से महज 50 किलोमीटर दूर है। 14 सितंबर 2020 को इसी गांव की एक 19 साल की दलित लड़की के साथ उसी गांव के 4 लोग मिलकर उसके साथ गैंगरेप करते हैं और उस लड़की के साथ हैवानियत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पहले चारों लोग बारी बारी से उसे अपनी हैवानियत का शिकार बनाते हैं और वो लड़की किसी से उस घटना की जानकारी न दे सके, इसलिए उसकी जबान काट देते हैं। वो लड़की चलकर अपने घर न जाए, इसलिए उसकी रील की हड्डी तोड़ देते हैं। इतनी हैवानियत के बाद भी वो आखिरी सांस तक अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ती रही और उसे अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कर दिया गया, जहां 9 दिन तक उसे होश ही नहीं आया। और जब 9 दिन बाद उसे होश आया तो वो जुबान कटी होने की वजह से कुछ बता ही ना सकी। सिर्फ इशारों में उसने अपने साथ हुई सारी घटना की जानकारी दी और वहाँ भी उसकी हालत क्रिटिकल होने के बाद उसे दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया, जहाँ 6 दिन बाद वहाँ उसकी डेथ हो गई। इस मामले में पुलिस ने बहुत लापरवाही भरा रवैया अपनाया। पहले पुलिस ने रेप की धाराओं में केस न दर्ज करते हुए महज छेड़खानी के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया, फिर उसके बाद धारा 307 मीन्स हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज किया, क्योंकि बात बहुत बढ़ चुकी थी, पुलिस पर प्रेशर था, इसलिए जल्द से जल्द चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस सब के बावजूद भी पुलिस की कार्यशैली में कोई सुधार देखने को नहीं मिला। 29 सितंबर 2020 को पीड़िता का पार्थिव शरीर हाथरस गांव लाया गया और वहां पर रात में ही परिजनों को अंतिम संस्कार करने के लिए मजबूर किया जाने लगा। पीड़िता के घर वालों के लाख पार्थिव शरीर मांगने के बाद भी पुलिस ने उन्हें शरीर नहीं दिया और अंत में घर वालों की अनुपस्थिति में ही उस बेटी का, उस पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया गया। जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सबका साथ सबका विकास की बात की जाए और वहाँ पे उस देश में बेटियों के साथ ऐसा बर्ताव किया जाए, तो ऐसे देश का भविष्य बहुत अंधकारमय है। मेरी खुद की एक बेटी है, इस घटना ने मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया है। मैं इस घटना के बाद भगवान से यही गुजारिश करूँगा कि किसी को भी इस देश में बेटी ही ना दें, क्योंकि इस देश में बेटी जब तक जिंदा रहती है तब तक उसकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती है और उसके मरने के बाद भी उसकी बहुत दुर्दशा होती है। तो आज के लिए बस इतना ही।